Hello, students. Till now, we have studied about birds, fish, reptiles, and mammals. Today, we will study about amphibians and insects. Amphibians, animals that live both on land as well as in water are called amphibians amphibians वैसे एनिमल होते हैं जो कि लैंड पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं उनको क्या कहते हैं एम्फीबियंस कहते हैं एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एज वेल एज इन वॉटर आ कॉल एम्फीबियंस अ फ्रॉग इज एन एम्फीबियन इट लेज एग इन वॉटर इन सेफ प्लेसेस फ्रॉग क्या है आपका एक एम्फीबियन है जो कि अंडे देता है कहा पानी में इन सेफ प्लेसेस सुरक्षित जगहों पे द एग्स आर कवर्ड विद जेली ये जो एग्स हैं वो जेली से कवर्ड होते हैं जैसे कि फिक्स फिस के एग्स के बारे में हमने पढ़ा था कि मछलियों के जो अंडे होते हैं उनके ऊपर जेली लेयर होता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वॉटर तो जो फ्रॉग होते हैं इनके भी अंडे कुछ ऐसे ही होते हैं दे आर कवर्ड विद जेली फ्रॉग ऑल्सो प्रोड्यूस पाउन ऑफ एग्स और बिल्कुल मछलियों की तरह जैसे कि मछलियाँ दे गिव थाउजेंड ऑफ एग्स एट अ टाइम वो एक बार में हजारों अंडे देती हैं बिल्कुल फ़्रॉग भी वैसे ही देते हैं वो भी हजारों अंडे देते हैं नाउंड बिल्कुल झुंड में अंडे देते हैं द साइकिल ऑफ फ्रॉग फ्रॉग हैज़ मैनी स्टेजेज एक फ्रॉक जो होता है उसकी लाइफ साइकिल के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं द एग्स हैच इन टू टाटपोल्स जो अंडे होते हैं वो बड़े होकर क्या बनते हैं टाटपोल्स बनते हैं ओके okay? अब देख सकते हैं यहां पर जो एग्स हैं वो बड़े होकर क्या बने टाटपोल्स बने ओके okay? लिटिल फिश like और ये जो टैटपोल है वो कैसे दिखते हैं छोटी मछलियों जैसे दिखते हैं आफ्टर अ फ्यू डेज टैटपोल डेवलप लेग्स एंड ग्रो इन टू फ्रॉग और थोड़े दिन बाद वो जो टैटपोल है वो बड़े होकर क्या बन जाता है वो बड़े होके उसके जो पंख निकल आते हैं उसके पैर निकल आते हैं और वो एक छोटा फ्रॉग बन जाता है जिसके पास पूछ होती है आप देख सकते हैं इस डायग्राम में इसके पास लेग्स निकल आए हैं इनके पास आर्म्स निकल आए हैं और इनके पास एक टेल है एंड इन नेक्स्ट फ्यू डेज इट ग्रोज इन टू एडल्ट फ्रॉक और थोड़े दिन बाद वो एक एडल्ट फ्रॉक बन जाता है विच हैज नो टेल जिसके पास कोई पूछ नहीं होती इट लिव्स ऑन लैंड एंड रीप्रोड्यूस इन वाटर जो कि जमीन पर रहता है और पानी में अंडे देता है द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम अ टाटपोल टू एन एडल्ट फ्रॉग इज कॉल्ड मेटामोरफिस और ये जो प्रोसेस है अंडे से टाटपोल बनने का और टाटपोल से फ्रॉक बनने का ये जो प्रोसेस है ये जो लाइफ साइकिल है फ्रॉक की उसको क्या कहते हैं मेटामॉर्फिस कहते हैं ओके okay? प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम अ टाटपोल टू एन एडल्ट फ्रॉग टाटपोल से एडल्ट फ्रॉग बनने का जो प्रोसेस है इसको मेटामोर्फिस कहते हैं इंसेक्ट एंड ऑल इंसेक्ट डेवलप फ्रॉम एग्स जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो कैसे डेवलप होते हैं एग्स से डेवलप होते हैं सम इंसेक्ट लाइक ग्रास ओपन एंड कॉक्रोचेस है थ्री स्टेजेस इन देयर लाइफ और जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि ग्रास हॉपर या फिर कॉकरोचेस इनकी लाइफ में कितने स्टेजेस होते हैं इनकी लाइफ में तीन स्टेजेस होते हैं इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई हैव फोर स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल और बटरफ्लाई और हाउस फ्लाईज के कितने स्टेजेस uh, होते हैं फोर स्टेजेस होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में द थ्री स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ द कॉकरोच आर एग एडल्ट कॉकरोच के जो तीन लाइफ साइकिल होते हैं वो क्या क्या होते हैं एग निम्फ एंड एडल्ट कॉकरोच, ओके निम्फ इज द बेबी कॉकरोच दैट कम्स आउट ऑफ द एग निम्फ क्या होता है एक बेबी कॉकरोच होता है जो कि अंडे से बाहर निकल कर आता है एज इट ग्रो इट शेड्स इट्स ओल्ड स्किन जैसे ये बड़ा होता है तो ये अपने जो पुराने चमड़े होते हैं उसको निकाल देता है एंड ग्रो अ न्यू वन और एक नया चमड़ा जो ये है वो पैदा कर लेता है ओके दिस इज कॉल्ड माउल्टिंग और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं माउल्टिंग कहते हैं पुराने चमड़े को शेड करना पुराने चमड़े को निकालना और नए चमड़े ग्रो करना इस प्रोसेस को क्या कहते हैं माउल्टिंग कहते हैं अ निम्फ बिकम्स एन एडल्ट कॉकरोच आफ्टर मेनी माउल्टिंग्स और जो निम्फ है वो एक एडल्ट कॉकरोच बन जाता है बहुत सारी माउल्टिंग के बाद बहुत सारे बाद वो चमड़े निकालते निकालते वो एक एडल्ट कॉक्रोच बन जाता है निम्फ ओके okay? तो क्या तीन प्रोसेस होते हैं आपके कॉकरोच uh, की लाइफ साइकिल के एग निम्फ एंड एडल्ट कॉकरोच, ओके द फोर स्टेजेस ऑफ इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई अब हम चार स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे बटरफ्लाई के लाइफ की चार स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे एग लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट बर्ड के बर्ड ये क्या कहते हैं बटरफ्लाई भी इंसेक्ट है मगर बटरफ्लाई के लाइफ में कितने स्टेजेस होते हैं चार स्टेजेस होते हैं एग लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट बटरफ्लाई द यंग वन विच हैचेज फ्रॉम द एग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट अंडे से जो बच्चा बाहर निकलता है ना वो एडल्ट से बिल्कुल ही अलग होता है दिखने में वो कैटा होता है और कैटा बिल्कुल ही अडल्ट बटरफ्लाई से अलग दिखता है ओके इट लुक्स लाइक अ ये एक कीड़े के जैसा दिखता है के जैसा दिखता है एंड इज इस लाड़वा और इसको लाड़वा कहते हैं द लाड़वा फॉर बटरफ्लाईज कॉल कैटर पिलर बटरफ्लाई के लाड़वा को क्या कहते हैं कैटर कहते हैं अंडे से लाड़वा निकलता है और लाड़वा को बटरफ्लाई के लार्वा को क्या कहते हैं कैटरपिलर कहते हैं द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई कॉल्ड मैगॉट हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या कहते हैं मैगॉट कहते हैं द लार्वा फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रो रेपिडली जो लार्वा है ये जो आपका लार्वा है वो क्या होता है वो पत्ते खाकर बड़ा होता है आफ्टर सम टाइम्स इट कवर्स इट सेल्फ इन अकून और थोड़े समय बाद वो अपने आप को एक ककून में कवर कर लेता है ओके okay? ये ककून क्या होता है ककून जो होता है ना जैसे आपकी लीजर्ड होती है स्पाइडर होता है ना स्पाइडर का अपने अपना वेब बनाता है स्पाइडर नेट बनाता है बिल्कुल वैसा ही कुछ मटेरियल होता है जिससे वो ककून बनाते हैं अपने चारों तरफ एक जाली सा बुन लेते हैं दैट इज कॉल्ड ककून द स्टेज इज कॉल द प्यूपा और इस स्टेज को क्या कहते हैं प्यूपा कहते हैं ओके इनसाइड प्यूपा द कैटरपिलर कीप्स चेंजिंग और प्यूपा के अंदर ये जो कैटरपिलर है वो क्या होता है वो बड़ा होता रहता है बदलता रहता है ये जो कैटरपिलर होता है ये प्यूपा के अंदर अपने आप को बदलता रहता है बदलता रहता है बड़ा होता रहता है द स्टेज इज कॉल्ड फाइनली द प्यूपा बर्थ एंड द अदर एडल्ट बटरफ्लाई कमज़ोर और जब वो बिल्कुल बड़ा हो जाता है तो पीपा फूट जाता है और प्यूपा से के अंदर से एडल्ट बटरफ्लाई निकल कर बाहर आ जाता है इंसेक्ट डू नॉट लुक लाइक देयर बेबीज जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने बच्चों के जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखते यहाँ आप डाइग्राम में देख सकते हैं जो बटरफ्लाई था एडल्ट बटरफ्लाई वो अपने बच्चे जैसा बिल्कुल नहीं दिखता बचपन में वो एक वॉर्म की तरह कीड़े की तरह दिखता है मगर बड़े होने पे वो एक बटरफ्लाई बन जाता है ओके इंसेक्ट्स डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज जो इंसेक्ट्स हैं वो अपने बच्चों का की देखभाल नहीं करते नाउ वी नो दैट एनिमल्स लाइक फिश स्नेक एंड इंसेक्ट डू नॉट टेक केयर ऑफ देयर बेबीज जैसा कि हम जानते हैं कि मछली सांप और कीड़े अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते मेनी ऑफ दीज डू नॉट सर्वाइव बिकॉज दे डू नॉट गेट एनी प्रोटेक्शन इसीलिए अधिकतर जो इनके बच्चे होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते वो नहीं बच पाते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन नहीं मिलती उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती एनिमल्स दैट टेक केयर ऑफ देयर यंग वन एव अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वाइविंग यंग वन वैसे जानवर जो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं उनके बच्चे बहुत अधिक जिंदा रहते हैं ओके दीज हेल्प इन कंटिन्यूइंग द स्पीसीज और ये उनकी प्रजाति को कंटिन्यू करने में उनकी प्रजाति को आगे बढ़ाने में मदद करता है मोर टू नो सिल्वर फिश इज नॉट अ फिश बट अ विंगलेस इंसेक्ट यू कैन फाइंड इन ओल्ड बुक्स और क्लोथ्स एक इंसेक्ट है जो कि सिल्वर फिश जिसका नाम है वो फिश की तरह दिखता है नाम उसका सिल्वर फिश है बट वो फिश नहीं होता वो मछली नहीं होती वो हमारे पुराने किताबों में रहता है और वो एक ऐसा कीड़ा है जिसके कि पंख नहीं होते दे आर विंगलेस उनके पास विंग्स नहीं होते हैं यू कैन सी दिस सिल्वर सिल्वर फिश ये आपको आपके हर पुराने किताबों में मिल जाएगा ये बुक्स को खाता है दे आर लाइक टर्मिट्स दीमक से कुछ अलग नहीं होता ये दीमक जैसा ही होता है ये भी आपके किताबों को खराब करता है नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड असाइनमेंट वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वॉट इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या होता है The process of producing young ones of their own kind is called reproduction. When we say padha we will do it in a few minutes. What is reproduction? The process of producing young ones of their own kind is called reproduction. Okay? The next question is Why do animals reproduce? जानवर बच्चे क्यों देते हैं जानवर रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द सेम काइंड रिप्रोडक्शन इज the most important activity in all the living organism is it ensures the survival of the same kind reproduction is important for life to continue on earth जिंदगी चलने के लिए धरती पे किसी भी स्पीसीज़ के रहने के लिए धरती पे रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है वट आर द डिफरेंट वेज बाय विच द एनिमल रिप्रोड्यूस वो क्या तरीके हैं जिसके थ्रू एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं वो क्या तरीके हैं जिससे जिससे एनिमल्स बच्चे देते हैं एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज एनिमल दो तरीके से बच्चे देते हैं सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस सम एनिमल्स ले एग फ्रॉम विच यंग वंस हैच आउट या तो कुछ एनिमल्स जो है वो बच्चे देते हैं डायरेक्टली या फिर कुछ एनिमल्स अंडे देते हैं नेक्स्ट इज वेयर इज द इम्ब्रियो लोकेटेड इन द बर्ड्स एग इम्ब्रियो कहां रहता है बर्ड के एग में इम्ब्रियो ले लाई इनसाइड द योक योक कंटेन्स द ग्रोइंग चिक और द इम्रियो ओके

शॉर्ट एंसर क्वेश्चन एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड बटरफ्लाई विदायाम आपको डायग्राम बनाकर बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करना है दिस इज द डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई द फोर स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई आर एग लारवा Human adult. The young ones in which hatches from the egg is very different from the adults. It looks like a worm which is called larva. The larva of the butterfly is called caterpillar. The larva of the housefly is called maggot. The larva feeds on leaf and grow rapidly. After some time, it covers itself into a cocoon. This stage is called pupa. Inside the pupa, the caterpillar keeps changing. Finally, the pupa, bursts and the adult butterfly comes out. So, you have to write this and you have to draw this diagram. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एग एग का डायग्राम बनाना है आपको इंटरनल डायग्राम ऑफ एग दिस इज द इंटरनल डायग्राम ऑफ एग दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम विथ लेबलिंग आपको सारे लेबलिंग भी करनी है ओके यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम डायग्राम ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ एग नेक्स्ट इज वॉट इज मॉल्ट मॉल्टिंग मॉल्टिंग क्या है वट वॉज मॉल्टिंग वेन द नि्फ ऑफ दिन ऑफ द बेबी कॉकरोच दट कम्स आउट फ्राम द एग एज इट ग्रोज इेड इट्स ओल्ड स्किन एंड ग्रोज इन टू ग्रोज न्यू वन दिस इज कॉल्ड मॉल्टिंग जब बेबी कॉकरोच जो निम्फ होता है वो अपने चमड़े निकालता है शेड करता है और नए चमड़े उगाता है तो उसे क्या कहते हैं मोल्टिंग कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू द थाउजेंड ऑफ एग्स दैट द फिश ले वो हजारों अंडों का क्या होता है जो मछलियां देती हैं आउट ऑफ द थाउजेंड ऑफ एग्स ओनली अ फ्यू हंड्रेड डेवलप्स इन टू यंग फिश बिगर फिश ईट अपनी एग्स एंड यंग फिशेज सो ओनली अ फ्यू ऑफ दम ग्रो एंड बिकम एडल्ट फिश ओके क्या होता है उसे बड़ी मछलियां खा जाती हैं नेक्स्ट इज वॉट चेंजेस टेक प्लेस इन अ टैट बिफोर इट बिकम्स एन एडल्ट फ्रॉक क्या क्या चेंजेस होती हैं टैटपोल में जब वो बड़ा मेढक बनता है तब तक में क्या क्या चेंजेस होती है फ्रॉग में द एग हैचेज इन टू Statpole, which look like little fish after a few days tatpole develop legs and arms and grow into young frog having tail in the next few days it grows into adult frog okay it changes hote hain. You, and you have to draw this diagram life of the life cycle of the frog how frog develops क्वेश्चन नंबर सिक्स व्हाट आर दी स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच व्हाट आर द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई एंड एन हाउस फ्लाई कॉल्ड स्टेजेस ऑफ कॉकरोच के लाइफ साइकिल के स्टेजेस बताने आपको ये डायग्राम बनाना है द थ्री स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द कॉकरोच एंड एग निडल्टे तीन होते हैं इतना बताना था आपको एंड नेक्स्ट इज What? The larva of butterfly and. The larva of butterfly is called caterpillar. The larva of housefly is called maggot. So, this is the full answer. Fill in the blanks. Next is fill in the blanks. Dash. Ensure the survival of same kind. Reproduction. yeah guys can answer? Reproduction. Repro. डक्शन द एग ऑफ फ्रॉग हैचेज इन टू अ टाटपोल टाटपोल द शील्डिंग ऑफ ओल्ड स्किन बाय अ इज कॉल्ड माउल्टिंग माउल्टिंग क्या कहते हैं माउल्टिंग कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज द लार्वा ऑफ हाउस fly is called a maggot maggot okay a egg contains a tiny growing baby called the embryo embryo the larva of a butterfly changes into pupa स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स एन एडल्ट कॉक्रोच कम्स आउट ऑफ इट एग एडल्ट कॉक्रोच अंडे से बाहर आता है फॉल्स क्या आता है निम्फ बाहर आते हैं मैम हेयर ऑन देयर बॉडीज ट्रू हैचिंग मीन्स गिविंग वम टू यंग वन नहीं गिविंग वार्म को क्या कहते हैं इंक्यूबेशन हैचिंग मतलब बच्चे का अंडे से बाहर आना सो दिस इज फॉल्स फ्रॉग ले एग्स इन वॉटर ट्रू द एल यू बी एम इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ट्रू ओके फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू मैश द कॉलम कॉक्रोच कॉक्रोच निम्फ सी ऑप्शन बटरफ्लाई कैटापिलर ई फ्रॉग टैटपोल डी गोट गोट के बच्चे को क्या कहते हैं किड हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई क्या देते हैं लाड़वा एंड लिजर्ड एग ओके्पल ऑफ एग लिंग एंड मैमल्स अंडे देने वाले मैमल्स का एग्जाम्पल देना है आपको क्या दो मैमल्स थे जो अंडे देते थे एंड ईटर्स एंड platypus duck billed platypus and ant eaters what you will write platypus and ant eaters platypus and ant eaters platypus and ant eaters okay platypus and ant eaters are two mammals which lay eggs next is egg laying bird aise bird jo ande dete hain hen क्रो एग लिंग इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स जो अंडे देते हैं बटरफ्लाई हाउस फ्लाई और कॉक्रोच कॉक्रोच भी लिख सकते हैं आप एग लेंग रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स जो अंडे देते हैं स्नेक लीजर्ड लीजर्ड्स

यू विल राइट काल्फ काल्फ कहते हैं सी एल एफ काल्फ काउ के बच्चे को कॉकरोच के बच्चे को निफ कहते हैं हाउस फ्लाईज के बच्चे को क्या कहते हैं मैगॉट मैगॉट ओके बटरफ्लाई कैटापिलर बर्ड ले एग्स ले एग्स और यू कैन राइट चीक्स कैटापिलर लीव्स खाते हैं इम्ब्रियोस क्या खाते हैं इम्ब्रियो योल्क इम्ब्रियो किस चीज पे फीड करता है योल्क पे वाई ओ एल के योल्क ओके सो दिस इज आल्सो फिनिश्ड नेक्स्ट इज पजल नंबर वन एग्स ऑफ फ्रॉग हैच इन टू दिस टाटपोल वॉट विल यू राइट टाटपोल टी ए टी पी ओ Tadpoles. Next is number two, larva of a house housefly, maggot, M-A-G-G-O-T, maggot. Third number is mass of eggs of a fish. It's called spawn, S -P -A -W -N, S-P-A-W-N. Number fourth is white watery part of an egg, L-U-B-M-A, L-U-B. E B E A A E M L U B M. Number fifth larva covers itself in this cocoon C A C O O N cocoon. Next is number 7th the yellow center of egg what is called yolk y o l k yolk after that a yolk yolk of egg contains this embryo 8th is embryo e m b r y o embryo sixth egg of amphibians are covered with this एफ के अंडे इस चीज से कवर उ शेल एस एच ई डबल एल शेल ओके सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड विद दिस एक्सरसाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट एंड आस्क मी एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टूड द चैप्टर वेल दैन Don't forget to like, subscribe and share the video guys. Thank you for watching this video.